सीएए का विरोध करने वालों, अगर फुर्सत हो तो मोदी के इस काम को भी देख लो, क्योंकि टीआरपी के फेर में फंसी मीडिया में तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। देख लो कैसे मोदी ने एक्सप्रेस वे बनाकर देश की तस्वीर को ही नहीं बदला है, दिलों की दूरियों को भी कम कर दिया है। कभी नामुमकिन सी लगने वाली अब ऐसी ही एक शुरुआत हो चुकी है, मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी को घटाने की। दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहा है 8 लेन का एक्सप्रेसवे। काम तेजी पर है, डेडलाइन है 26 जनवरी 2023, यानी सिर्फ 3 साल। और मोदी सरकार के डिलीवरी कमिटमेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब बात इस एक्सप्रेसवे की खूबियों की, तो साहब आपको इस पर रफ्तार भरकर दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 12 घंटे और अभी लगते हैं 24 घंटे, यानी आपके कीमती 12 घंटे बचेंगे। साथ ही इससे हर साल होगी 3200 लाख लीटर ईंधन की बचत। 1270 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे को इस अंदाज में बनाया जाएगा कि किसी जंगल को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेड़ों की रक्षा के लिए अंडरग्राउंड टनल बनेंगे, ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, पूरे रास्ते भर 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कार्बन एमिशन से बचने के लिए सिर्फ सोलर लाइट ही लगेंगी। हर आधे किलोमीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट होगा। हर 50 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। सोच लीजिए, समझ लीजिए कि दूरियां भी घटेंगी, वक्त भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा और देश को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन भैया, CAA और NRC के विरोध को पहले पन्ने पर छापने वालों को भला देश की इस बदलती तस्वीर को दिखाने की फुर्सत कहाँ?